दिल्ली में आज भी हड़ताल पर रहेंगे वकील। पुलिस वकील झड़प विवाद का अब तक कोई हल नहीं निकल पाया। उपराज्यपाल के यहाँ 1.5 घंटे चली बैठक बेनतीजा रही। कोऑर्डिनेशन कमेटी और दिल्ली पुलिस की LG हाउस में बैठक विफल रही। 307 के तहत FIR दर्ज करने की वकील मांग कर रहे हैं। 30,000 कोर्ट में गोली चलाने वाले पुलिस वालों पर FIR की मांग कर रहे हैं। शुक्रवार को 10 दिन तक हड़ताल स्थगित करने का ऐलान किया था। आज भी हड़ताल पर दिल्ली के वकील। लोअर कोर्ट्स में कामकाज ठप। काम पर नहीं है वकील, मांग कर रहे हैं आरोपी पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई हो, उनके खिलाफ FIR हो और जब तक नहीं होती तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। कल बैठक भी हुई कोऑर्डिनेशन कमेटी और दिल्ली पुलिस के बीच उपराज्यपाल के साथ, लेकिन बैठक बेनतीजा रही। 1.5 घंटे बैठक चली LG अनिल बैजल के आवास पर, लेकिन बेनतीजा ये बैठक रही। कोऑर्डिनेशन कमेटी दिल्ली पुलिस की LG हाउस में बैठक विफल रही और ये तस्वीरें अब लगातार सामने आती हैं जहां पर वकील सड़कों पर हैं, मुखालफत कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं। हमारे सहयोगी दिव्यांशु मल्होत्रा हमारे साथ इस समय। दिव्यांशु, हड़ताल पर वकील, लगातार हड़ताल जारी, कामकाज ठप है, कल अहम बैठक भी हुई लेकिन बैठक बेनतीजा रही, कोई नतीजा नहीं। देखिए बिल्कुल पूजा जी, पुलिस और वकीलों के बीच ये जो विवाद है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि 2 दिन पहले खबर ये आई थी कि 10 दिन के लिए वकीलों ने हड़ताल को स्थगित कर दिया है, लेकिन कल जिस तरीके से दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारी और वकीलों के बीच में बैठक हुई और वो बैठक कहीं ना कहीं बेनतीजा रही और यही वजह है कि एक बार फिर से वकीलों ने हड़ताल का आह्वान कर दिया है। और आज सोमवार के दिन से हड़ताल खत्म होनी थी लेकिन आज हड़ताल एक बार फिर से शुरू हो गई है। यानी कि अब जब तक उस पुलिस वाले की गिरफ्तारी नहीं होगी जिसने गोली चलाई थी तब तक वकीलों का कहना है कि हड़ताल जारी रहेगी। हालांकि दिल्ली पुलिस ने अपनी एक टीम को गठित किया है जो कि लगातार वकीलों के साथ डायलॉग कर रही है, जिसमें स्पेशल CP सतीश गोलचा के साथ साथ जॉइंट CP देवेश श्रीवास्तव हैं, तमाम और अधिकारी हैं, एडिशनल DCP लेवल के अधिकारी हैं और साथ साथ नॉर्थ दिल्ली की DCP मोनिका भारद्वाज उस टीम में है। लेकिन कल उपराज्यपाल के आवास पर उपराज्यपाल की मौजूदगी में ये बैठक हुई लेकिन वकील अपनी बात पर अडिग रहे, अपनी मांग पर अडिग रहे और यही वजह है कि आज एक बार फिर से वकील हड़ताल पर आएंगे। और जाहिर सी बात है कि 2 तारीख से ये जो झड़प हुई थी अब वो मामला लगातार और भी ज्यादा तूल पकड़ता जा रहा है। न केवल पुलिस वर्सेस वकील हो गया है बल्कि पुलिस वर्सेस वकील वर्सेस जनता हो गई है, क्योंकि जनता जो है वो काफी परेशान है। कई ऐसे केसेस देखे जा रहे हैं कि जो है लोगों को डेट मिलती है 6-7 महीने बाद, लेकिन फिर एक बार जब वो कोर्ट पहुंचते हैं तो उनको और 6-7 महीने बाद की डेट मिल जा रही है। यानी कि लोगों के केसेस जो है वो 1-1 साल पेंडिंग होते जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अब ये पूरा मामला पुलिस वर्सेस वकील वर्सेस जनता हो गया है। पूजा जी, बिल्कुल, कानून का इंकलाब तो सबसे ऊपर होता है दिव्यांशु, लेकिन जो तस्वीरें हम देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, जो कानून है, कानून के रक्षक हों, सहयोगी हों, अधिवक्ता हों, वो सड़कों पर हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, इस तरह की तस्वीरें वास्तव में बड़े ही दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीरें और कह सकते हैं कि कानून का इंकलाब धराशायी होता नजर आ रहा है सड़कों पर। देखिए बिल्कुल, दिल्ली की सभी जिला अदालतें जो हैं वो ठप पड़ी हैं, हजारों की संख्या में जो लिटिगेंट्स हैं वो लगातार कोर्ट पहुंच रहे हैं लेकिन उनको डेट देकर वापस भेजा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो केसेस हैं वो 1-1 साल 1.5 साल पेंडिंग होते जा रहे हैं। लगातार Day 1 से टोटल न्यूज इस खबर पर बना हुआ है, लगातार हमारे रिपोर्टर स्टोरी कर रहे हैं और लिटिगेंट से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर उनको कितनी दिक्कत हो रही है। तो लिटिगेंट्स का साफ तौर से कहना है कि उनको 6 महीने बाद आज की डेट मिली थी लेकिन आज जब वो कोर्ट पहुंचे तो पता चला कि वकीलों की हड़ताल चल रही है, आज उनको 6 महीने बाद और की डेट मिल गई, यानी कि 1-1 साल केसेस पेंडिंग चल रहे हैं। कई ऐसे लोग दिखे जो कि बाहर से आ रहे हैं, शिमला से, हरियाणा के अलग अलग शहरों से आ रहे हैं, यूपी के अलग अलग शहरों से आ रहे हैं, तो लोग काफी परेशान हैं। लेकिन एक पुलिस वाले की गिरफ्तारी के चलते पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो कॉलैप्स हो चुका है। लेकिन अब देखना यही होगा कि आने वाले समय में क्या कुछ बातचीत की जाती है। हालांकि इससे पहले भी दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के साथ वकीलों की बैठक हुई थी लेकिन वो भी बैठक बेनतीजा रही थी और अब जब कल एक बार फिर से बैठक हुई तो उम्मीद जो है वो जगी थी, उम्मीद की किरण जगी थी कि ये जो बैठक हो रही है उसमें एक आउटकम निकलेगा और कहीं ना कहीं जो जुडिशरी का सिस्टम पूरा तरीके से हम कह सकते हैं कोलैप्स चल रहा है वो आने वाले समय में और भी ज्यादा बेहतर होगा, लिटिगेंट्स परेशान नहीं होंगे। लेकिन कल भी जिस तरीके से बैठक जो है बेनतीजा रही, सीधा तौर पर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गया कि आखिर
कब ये वकील हैं अपनी जो हड़ताल है वो वापस लेंगे और जो पूरा सिस्टम है एक बार फिर से बहाल होगा। लेकिन वकील जो है अपनी बात पर अडिग है कि जब तक पुलिस वाले की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक वो अपना जो हड़ताल है इसी तरीके से जारी रहेंगे। हालांकि दो दिन पहले जो खबर आई थी दिल्ली बार काउंसिल ने ये ऐलान किया था कि हम जो हड़ताल है अपनी स्थगित कर रहे हैं, क्योंकि सीधा तौर पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया का भी प्रेशर है कि आप कहीं ना कहीं बातचीत के जरिए इस पूरे मामले को सुलझाइए। हालांकि ऐसा नहीं है कि ऐसे टिफ पहले नहीं हुए हैं, पार्किंग टिफ कई बार सामने आए हैं दिव्यांशु, लेकिन समझौतों से ऐसे मामले शांत भी हुए हैं। क्या आपको लगता है कि शुरुआत में ही अगर इस मामले पर जो आला अधिकारी हैं दोनों ओर के वो बैठते बात होती तो शायद मामला इतना लंबा नहीं खिंचता? देखिए पूजा जी, दो तारीख का पूरा जो प्रकरण है वहीं पर अगर जिन वकीलों के साथ उस संतरी की जो है कहा सुनी हुई थी, अगर उसी स्तर पर जो है बातचीत के जरिए जो है मामले को सुलझा लिया जाता तो वहां से कहीं ना कहीं ठीक रहता। लेकिन अब जब वहां पर बड़ी संख्या में वकील पहुंचे, बड़ी संख्या में पुलिस वाले पहुंचे, आपस में कहा सुनी हुई, आपस में झड़प हुई, आगजनी की गई, उसके बाद मामला उस स्तर पर सुलझाना काफी मुश्किल था। और यही वजह है कि हाईकोर्ट ने खुद इस पूरे मामले में संज्ञान लिया, दोनों पक्षों को बुलाया और ये कहा कि आप बैठ के बात कीजिए। लेकिन अब ये सिचुएशन ऐसी बन चुकी है कि अहम का टकराव ज्यादा नजर आ रहा है, ईगो क्लैश ज्यादा नजर आ रहा है दिव्यांशु, और इस ईगो क्लैश से साफ तौर पर न सिर्फ जनता का नुकसान है बल्कि इन संस्थाओं का नुकसान है, इन संस्थाओं की गरिमाओं का नुकसान है। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से आप बता रही हैं कहीं ना कहीं दोनों संस्थाओं का नुकसान है। पुलिस की इमेज अलग से डाउन हो रही है, जुडिशरी की इमेज अलग से डाउन, जुडिशरी की नहीं कह सकते हम, वकीलों की जो इमेज है वो कहीं ना कहीं डाउन हो रही है। क्योंकि पुलिस वाले जब उनके साथ बदसलूकी हुई, साकेत कोर्ट के बाहर जब एक पुलिस वाले के साथ बदसलूकी हुई, उसका वीडियो लगातार टीवी चैनल्स पर चला, उसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस वाले भी मैदान में आए, वो अपनी हक की लड़ाई लड़ने के लिए पुलिस मुख्यालय पहुंचे, अपने अधिकारियों से कहा कि आप इस पर कुछ कड़ा कदम उठाइए, तो वहीं दूसरी तरफ लगातार वकील अपनी हड़ताल पर है। लेकिन इन दोनों की लड़ाई के बीच जनता फिस रही है और लगातार टीवी चैनल्स पे जो वीडियो चल रही है जो सीधा तौर पर दर्शाती है कि पुलिस वालों ने कितनी बर्बरता दिखाई, उसके साथ साथ वकीलों ने कितनी बर्बरता दिखाई, तो कहीं ना कहीं दोनों जो पक्ष है उनकी इमेज डाउन हो रही है। और यही वजह है कि अब जब लड़ाई है और भी ज्यादा खिंचती जा रही है तो सीधा तौर पर जनता फिस रही है, लोगों को काफी नुकसान हो रहा है। और कहीं ना कहीं बैठक के जरिए उम्मीद ये की जा रही थी, पहले भी बैठक हुई उसमें भी हम लोगों ने उम्मीद की कि अब इस बैठक में कुछ आउटकम निकलेगा और कहीं ना कहीं ये मामला सुलझेगा। लेकिन वहाँ जो बैठक हुई वो पूरी तरीके से बेनतीजा रही, वकीलों का साफ तौर से कहना था कि पुलिस वालों ने उनको जो है मिसगाइड किया, मिसकम्युनिकेशन रहा। और कल जिस तरीके से खुद उपराज्यपाल अनिल बैजल ने अपने आवास पर मीटिंग बुलाई तो एक और उम्मीद जग गई थी कि अब उपराज्यपाल खुद इस पूरी बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं तो अब मामला कहीं ना कहीं सुलझा लिया जाएगा। लेकिन वो भी बैठक कहीं ना कहीं बेनतीजा रही और अब देखना यही होगा कि क्या कुछ कदम उठाया जाता है वकीलों की तरफ से। लेकिन वकील जो है अपनी बात पर पूरी तरीके से अडिग है कि जब तक पुलिस वाले की गिरफ्तारी नहीं होती तब तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। बिल्कुल, और ये तस्वीरें वास्तव में देखकर चिंता भी हो रही है और दुख भी हो रहा है कि कानून ही सड़कों पर है, आखिरकार लोगों को कानून इंसाफ कौन दिलाएगा। बहरहाल शुक्रिया आपका दिव्यांशु मल्होत्रा, आपसे हम अपडेट लगाते